बिहार से प्रोफेसर सुरेश प्रसाद राय का खत है। खत में क्या लिखते हैं वो सुनिए। परम आदरणीय शाह जी, प्रणाम। इस बार अंकलेश्वर में स्वपर प्रकाशक विज्ञान देखने का मौका मिला। अपूर्व पुस्तक है, जिसकी हर पंक्ति परमार्थ मार्ग का दीपक है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी दुर्लभ पुस्तक आप निशुल्क बांट रहे हैं। गुरु भक्ति का यह एक अद्भुत उदाहरण है। कृपा कर यह पुस्तक निम्नांकित पते पर VPP से भेजने की कृपा करें। धन्यवाद प्रोफेसर सुरेश प्रसाद जी, इस ग्रंथ के प्रसाद को अपने जीवन में उतारकर आप सही अर्थ में सुरेश यानी देवों के भी अधिष्ठाता देव बन जाएं, यही भावना है। आदर्श विद्या मंदिर के आचार्य श्री गोपाल सिंह भाटी, जिला बाड़मेर राजस्थान से अपने प्रतिभाव अभिव्यक्त करते हुए लिखते हैं कि गुरु की माता कहलाने योग्य स्वसंजीवनी महामहिम संत श्री जयमेश शाह, आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्वसंजीवनी पढ़कर बहुत आनंदित हुआ। भतीज युवराज सिंह के हाथों देखी पुस्तक पर सर्वप्रथम नजरे टिकी, कहा इधर लाओ। देखा जैसे कि अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ही ले जाते हैं, लेकिन भारत भूमि पर ऐसी भी पुस्तकें अभी मौजूद है जो गुरु की माता कहलाने योग्य है। भारत की युवा शक्ति को अपने पथ पर रहने का भाव यही पुस्तकें ही सिखा सकती है। बाद में देखा कि मूल्य पर नजर गई तो पाया कि परम विनय और मैं कुछ भी नहीं जानता ऐसे भाव की पुस्तकें शायद ही कहीं उपलब्ध हो। यहां पर ग्रंथ उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपका गोपाल सिंह भाटी। वाह, आपने गुरु की माता के रूप में इस पुस्तक को देखा, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। हम लघुत्तम भाव से कहते हैं कि ज्ञान को गुरु बनाकर अपने जीवन की गरिमा को आप सही ढंग से पा लें और समझ लें, बस यही तो भावना है हमारी। घर घर में ज्ञान की गुरुता रहे, ज्ञान की गरिमा रहे। गोपाल सिंह जी, हम चाहते हैं कि इस पुस्तक के चिंतन से अपने जीवन के चरम ध्येय को आप पा सकें और गुरु की माता, जिस प्रकार माता वात्सल्य से अपने संतान को मार्ग दिखाती है, इस प्रकार इस ग्रंथ से मार्गदर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही हमारी भावना है। धन्यवाद। गुजरात के वडोदरा से महात्मा RN शाह ने खत लिखा है। शाह जी लिखते हैं, तम सो मा ज्योतिर्गमय, स्वपर प्रकाशक विज्ञान अति अति मूल्यवान है, परिवार के लिए और समाज के लिए भी। अंध मान्यताओं से बिल्कुल मुक्ति पाने की जो बानी दी गई है, इसकी तारीफ करते हैं। यह तो बहुत सुंदर और गौरवपूर्ण सेवा है दादा की और दादा के विज्ञान की, और उसके लिए श्री जयमेश जी को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। शाह जी, आप वैष्णव है तो सही अर्थ में दादा भगवान को फॉलो करके आप सही वैष्णव बन पाएंगे।
क्योंकि दादाजी सारे विश्व को अभेद दृष्टि से देखते हैं और वैष्णव का मतलब है विश्व के सभी चेतन को अभेद दृष्टि से देखना। हम आपकी मुमुक्षुता के लिए आपको अभिनंदन देते हैं और अंध मान्यताओं से मुक्त होकर स्वकीय परम प्रकाश को आप पाएं ऐसी भावना करते हैं। जय सच्चिदानंद।
चारी पर पोटे अतिक्रमु नहीं निश्चे समकीत हो। भक्ति करता कदिए हूँ ठाकू नहीं एवी शक्ति दो। गमता आना गमता संगो प्रसंगो बुलाए केवल जागृति दो। गमता आना गमता संगो प्रसंगो बुलाए वैश्वी विस्पृति दो। जइए त्या उल्लास आनंद थाए परपट प्रेमार्क दो। मुक्ति भजता कशु ये हूँ याचू नहीं एवी भरती दो। आखा जग साथे एकता साधी शकाय एवी प्रकृति दो। चारे गतियों ना आत्मा ने थारी शकू भैये शीतलता हो। भक्ति करता कदिए हूँ थाकू नहीं एवी शक्ति दो। कृपा वर्धमान थाय मीटे आवागमन शुद्धक स्वयोग हो। सदगुण खीले ने समर्पण थाय निर्भेद ओंकार हो। भक्ति करता कदिए हूँ थाकू नहीं एवी शक्ति जो। बीजो भव आवे नहीं दृष्टा जागृत रहो दृष्टि आत्मीय दो। दादा स्वीकारे जे आंसू ना अभिषेकी धोध एवी प्रार्थना हो। भजता कशु ये हूँ याचू नहीं एवी भरती दो। जाति वेश अने वर्ण थी पर अति दुर स्वाहम स्वदेश जो। मागता ये आवड़ियों नहीं रे दादा माते मोक्ष जो। हमने मागता ये आवड़ियों नहीं रे दादा माते मोक्ष जो। भक्ति करता कदिए हूँ ठाकू नहीं एवी शक्ति दो। मुक्ति भजता कशु ये हूँ या
વાચું નહીં એવી ભરતી દો વૃત્તિ અહીં સીજ હો એવું આધ્યાત્મ હો લક્ષ્મી સાત્વિક હો પ્રેમલ વાણી વહો નિશ્ચે સમકીત હો ભરપટ પ્રેમાર્ક દ્યો ભૈયે શીતલતા હો નિર્ભેદ ઓમકાર હો એવી પ્રાર્થના હો દાદા મોક્ષ જ દ્યો દાદા મોક્ષ